गुड इवनिंग यू ऑल्सो वेलकम योर ओन चैनल मार्केट स्टडी तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो है एस बी आई कार्ड जिसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट हुए जो कि आज ही के दिन आए हैं सो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सो so, यहाँ पे अगर आप मीडिया में देखोगे तो यहाँ पे जो एस बी आई कार्ड है उसके जो नेट जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल फ्लैट आया है बट इसके अंदर जो रेवेन्यू है जो उसकी सेल्स है उसमें इलेवन परसेंट का जो है इंक्रीज हुआ है और कार्ड जो है वो भी स्पेंड जो है अप टू फोर परसेंट का समथिंग हुआ है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जो है माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है सो so देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है और मंडे के दिन जो है स्टॉक जो है कैसा ट्रेड करता है सो चलिए क्विकली फंडामेंटली इस्टॉक के बारे में ज़रा जो है देख लेते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग सिक्सटी करोड़ का है वही जो इसकी जो करंट प्राइस है जो इसकी करंट प्राइस जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 722 है बुक वैल्यू जो है इसकी अराउंड 127 के समथिंग है जो कि आलमोस्ट जो है 6.5 पॉइंट टाइम जो है लेस है विथ करेंट प्राइस स्टॉक का पी जो है 28.5 है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है साढ़े बारह परसेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है काफ़ी अच्छा लगभग ट्वेंटी टू परसेंट के समथिंग है सो कंपनी सिंस इट इज़ द एस बी आई कार्ड इन पेमेंट सो डेप जो है यहाँ पर uh, कोई मायने नहीं रखता है इसके हाई और वैल्यू हाई और लो वैल्यू की बात करूँ मैं तो सिक्स फोर्टी एट का जो है ट्वेल्व वीक का लो है वहीं इसका हाई जो है वो एट नाइन थ्री का है स्टॉक जो है काफ़ी समय से जो है काफ़ी जो है नीचे ट्रेड कर रहा है सो so उससे पहले हम इसके जो है पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो एस बी कार्ड जो है ट्वेंटी एट पॉइंट फोर नाइन का जो है यहाँ पर पी रखता है जो कि श्रीराम फाइनेंस और बजाज होल्डिंग जो कि इससे भी ज़्यादा चीपेस्ट है इसके अलावा इसका जो डिविडेंट यील्ड है वो भी लगभग लग पॉइंट के करोड़ का समथिंग है सॉरी परसेंटेज समथिंग है जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं है प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है जो कि लगभग सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स टू परसेंट है और सिंस इट इज़ अ एस कंपनी का है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ओन है सो so, काफ़ी वैल्यूबल कंपनी है और क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिजल्ट जो पोस्ट किए हैं उसमें टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो है फाइव नाइन्टी फोर करोड़ का है वहीं जो लास्ट क्वार्टर का था वो ओनली सिक्स सिक्स टू था तो लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी कम है जहाँ पर जो है मार्केट जो है डेफिनेटली इसको नेगेटिव लेगा और स्टॉक जो है आपको फर्दर जो है अंडर प्रेशर में यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है चार्ट पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये वीकली टाइम फ्रेम में जो है ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की ऊपर की तरफ ड्रॉ की है यहाँ पर जो है स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ से आने के बाद जो है नीचे की तरफ आते हुए आपको दिखाई देगा सो अभी जो स्टॉक है ये जो है समथिंग सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन पर ट्रेड कर रहा है अगर स्टॉक सेवन वन जीरो की वैल्यू पे आता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसको एक्ूमलेट करना चाहिए क्योंकि इस स्टॉक यहाँ पे आने के बाद जो है ये इसकी स्ट्रांग डिमांड जोन होती है और यहाँ से इस जो स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव करता है सो so ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये ब्लू वाली लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है इस स्टॉक में आई रिकमेंड कि इससे तो है थोड़ी सी दूरी बना के ही रखनी चाहिए सो so एस बी आई कार्ड को अगर सेम जो है अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देखते हैं तो चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सेवन फोर सेवन का जो एक वैल्यू है जहाँ पर स्टॉक जो है नियर जो है सपोर्ट जो है फेस करता है और वहाँ पर जो है इसमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है जहाँ पर सप्लाई जो है स्टार्ट होती है और वहीं जो है अगर आप इसको देखोगे तो सेवन जीरो एट मतलब सेवन वन जीरो के अप्रोक्स जो है एक डिमांड जो है जहाँ पर जो है स्टॉक आकर मूवमेंट कर रहा है सो so, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स थैंक यू बाय